त्वं सच्चित् सुखं परमहं सगतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवेति नित्यं तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंगः तपो भीक्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिध्यति। अहो जनसमूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं क्वरतिं करवाण्यहम् नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित् अयमेव हि मे बन्धः आसीद्या जीविते स्पृहा। अहो भुवन्न कल्लोलैः विचित्रैद्राक्समुत्थितम् मय्यनन्तमहामोद्यौ चित्तवाति समुद्यते मय्यनन्तमहाबोध्यौ चित्तवाति प्रशाम्यति। अभाग्या जीववन्निजो जगत्पापो विनश्वरः मय्यनन्तमहाबोध्याः वाश्चर्यं जीववीचयः उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। हरि ओम। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21 22 हमने कर लिए थे। आखिरी के 3 श्लोक करते हैं अध्याय 2 के। जैसे कि आपको पता है अष्टावक्र गीता में 12 अध्याय हैं, 298 श्लोक हैं, 298 वर्सेस हैं। तो छोटे कहीं अध्याय बड़े छोटे हैं कहीं बड़े हैं, तो टोटल 298 वर्सेस हैं गीता जी में। जैसे कि आप जानते हैं 18 अध्याय हैं, 701 श्लोक हैं। सो गीता जी कई अध्याय बहुत बड़े, जैसे दूसरा अध्याय 18वां अध्याय जिसमें 72 एंड 78 वर्सेस हैं। सो जैसे कि मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, गीता जी और अष्टावक्र गीता, भगवत गीता और अष्टावक्र गीता में एक भेद है। अष्टावक्र गीता एक आइडिया है बस, साक्षी बनो, ये संसार स्वप्नवत है, अपने आप को जानो। कोई ये बात नहीं कि क्रोध को कैसे कम करो, इंद्रियों को कैसे संयम करो, वासनाओं को कैसे रोको, कैसे अपनी वाणी पे संयम करो, उस पर चर्चा ही नहीं है अष्टावक्र में। ये चर्चा नहीं है कि कैसे कामनाओं को, क्रोध को, भय को, ईर्ष्या को, द्वेष को रोको, क्योंकि वो विषय है ही नहीं इस समय। क्योंकि जो स्टूडेंट अष्टावक्र भगवद गीता सुन रहा है, राजा जनक, वो इन क्लासेस से निकल चुका है, वो पूरा कर चुका है। जैसे 12वीं क्लास के बच्चे को आप अल्फाबेट्स नहीं पढ़ाते, उसको उसको नंबर्स नहीं सिखाते, उसको गुणा भाग नहीं सिखाते, बिकॉज अजम्पशन ये है कि यदि तुम 12वीं में बैठे हो, यदि आप PhD कर रहे हो, यदि आप ग्रेजुएशन क्लास में हो, तो आपके फंडास बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। और यदि क्लियर नहीं हुए और कोई 12वीं क्लास में बिठा दे, तो वो इज अ बुल इन अ चाइना शॉप।
इफ यू सेंड अ किड हु हैज बेसिक इज नॉट क्लियर और आप उसे ट्वेल्थ की बोर्ड के एग्जाम में बिठा दो या ट्वेल्थ के बोर्ड की क्लास में बिठा दो, ही इज अ बुल इन अ चाइना शॉप, ही विल डिस्ट्रॉय द होल थिंग. सो इसलिए अधिकारी होना बहुत जरूरी है अध्यात्म के लिए, पात्र होना बहुत जरूरी है. अच्छा सामान, अच्छा द्रव्य गलत पात्र में भी डाल दिया जाए तो कोलैप्स हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दूध को गंदे बर्तन में डाल दो, you put the pure milk in a dirty vessel, what happens? You know, I know. So, sadhana jo hai, wo jaruri hai. Uske liye kahi shastra hai, Atmabodha shastra hai, Bhajgovindam shastra hai. Isse prakriyas kehte hai. Atmabodha, Vivek Chudamani, prakriyas hai. Ek preparatory books hai. Aur us books mein aapko mind ko prepare kiya jata hai. यहां पे अष्टवक्र गीता में हम ब्रह्म को साक्षी होकर अनुभव की बात करते हैं. आप कह सकते हो सर अभी तो हमें कामनाओं में फंसे हुए हैं, अभी तो हमें इच्छाओं में फंसे हुए हैं, तो फिर हमें अष्टवक्र गीता क्यों पढ़ाई जा रही है? देखिए, आपको मैं अष्टवक्र गीता पढ़ा नहीं सकता, मैं नहीं, कोई भी नहीं पढ़ा सकता. आपको एक ग्लिम्सिस दिखाए जा रहे हैं, एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है. ये ब्रोशर दिया जा रहा है आपको उस फिनाले स्टेट का, जो आपका बर्थ राइट है, जो आपका बर्थ राइट है, उस परम को जानना. और उस परम को समझाने, जानने, पहचानने के लिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है. वो उदाहरण है लहर का, लहर का और समुद्र का. वो उदाहरण है कि लहर अलग अलग होती है लेकिन समुद्र एक है. हाउ स्ट्रेंज दैट इन मी द लिमिटलेस ओशन द इंडिविजुअलाइज्ड जीवा राइज एज अ वेव्स ड्रिवन देयर रिस्पेक्टिव नेचर्स दे क्रॉस ईच अदर प्ले फॉर अ व्हाइल एंड डिसअपीयर बैक इनटू ओशन. ये एक धाराएं हैं जीवन के, अनुभव की धाराएं हैं. एक आती है ऊपर आती है, एक लहर आती है ऊपर से दूसरी लहर आती है, एक लहर दूसरी लहर से टकराती है, शोर मचाती है, लेकिन समुद्र दोनों का आधार है. तो अगले जो तीन श्लोक करने हम जा रहे हैं, श्लोक नंबर 23, 24 और 25 चैप्टर 2 में अष्टवक्र गीता के अध्याय 2 में जनक बोल रहा है अभी, वहां पे एक ही उदाहरण है, वह है ओशन का और वेव्स का. यदि आपको याद हो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में, आखिरी श्लोक में, दूसरे अध्याय में भगवान जी उदाहरण देते हैं समुद्रवत. तो आज हमारा पूरा जो सेशन होगा इसी एक उदाहरण के आसपास घूमता रहेगा. ओशन, लहरें, समुद्र, झाग, फ्रॉथ, शोर, शराबा, इसी एक उदाहरण के आसपास घूमता रहेगा. और ये गीता जी में भी है, श्रीमद् भगवत गीता में भी है और अष्टवक्र गीता में भी है. तो आज हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 23, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 23, चैप्टर नंबर 2. अहो भुवन कल्लोलैः विचित्रै द्राक्षमुत्थितम् मय्यनन्त महाबोध्यौ चित्तवाति समुद्यते. अहो भुवन कल्लोलैः विचित्रै द्राक्षमुत्थितम् मय्यनन्त महाबोध्यौ चित्तवाति समुद्यते. Amazingly, as soon as the mental winds arise in the infinite ocean of myself, many waves of surprising worlds come into existence. जनक कहते हैं श्लोक नंबर 23 में, आश्चर्य मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु उठने पर
ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उपस्थित हो जाती हैं। मैं ओशन हूं और ये तरंगे हैं, विचार हैं। एक विचार दूसरे विचार पे हैवी होते हैं, फाइट होती है। एक विचार है सुबह उठने का, एक विचार है सुबह ना उठने का। ये तरंगे हैं आपके दिमाग रूपी सागर में। एक विचार है सोए रहने का, एक विचार है उठने का। ये तरंगे आपस में स्प्लैश करते, शोर होता है, कंफ्यूजन होता है, फ्रॉथ होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। दोनों विचारों का आधार कौन है? एक ओशन, एक परमात्मा, एक आत्मा। हवा तेज हो तो लहरें तेज हो जाती हैं। तो यहां पे उदाहरण दिया शास्त्रों ने लहर का, तरंगों का विचार से। जैसे कि मैंने कल की क्लास में बोला था, हमारे शास्त्रों में नेचर के बड़े प्रिंसिपल्स यूज किए गए। यदि आप आत्मबोध दे पढ़े तो उसमें हर जगह डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स यूज करें जो प्रकृति से। तो तरंगे जो हैं, तरंग जो हैं वो विचार हैं, तरंग जो हैं वो विचार हैं। आश्चर्य, अनंत समुद्र रूप में मुचित्र रूपी हवा उठने से शीघ्र विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। तो जब हवा की मोह की रूपी हवा की प्रहार तेज हो तो विचारों का चढ़ाव तेज हो जाता है। जब मोह रूपी हवा का प्रवाह तेज हो तो विचार रूपी तरंगे ऊपर उठ जाती है। और जब बहुत तेज तरंगे उठती हैं, बड़ी तेज वेव उठती है, तो ऐसा लगता है यही ओशन है। ओशन नहीं है, ओशन तो महाशांत है। इसी तरह से आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, हम सबकी आत्मा इमैक्युलेट है, शांत है, स्थिर है, धीर है। लेकिन ये विचार आपको सड़क पे नचवा देते, विचार आपको सड़क पे नचवा देते, ये विचार आपको सड़क पे रुलवा देते, ये विचार आपको धोबी पटका मार के जमीन पे दफना देते, ये विचार आपको इज्जत की, सम्मान की ऊंची ऊंची शिखरों पे बिठा देते। ये विचार एक लहर दूसरी लहर से लड़ती है, डरती है, घबराती है। हम विचार दूसरे विचारों से घबराते हैं। क्रोध एक विचार है, प्रेम एक विचार है। तो जनक कहते हैं यहां पे, प्रभु सागर है, जीव लहरें हैं, आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूपी मुझ में चित्त रूपी हवा है। तो ये हवा को चित्त बोला, इमोशंस बोला, और चित्त आपको मुझको चित्त करते हैं। कुश्ती में कहते हैं इसको चित्त कर दिया, चित्त कर दिया मीन्स कोलैप्स हो गए। तो आपकी मेरी डिजायर ने आपको मुझको पूरी तरह से चित्त कर दिया। और वो जब चित्त ने हमें चित्त कर दिया तो हमें समझ नहीं आती कि मन की नाव को किस गोते में ले जाएं। तो ये तरंगे हैं और ये तरंगे आपस में एक दूसरे को प्रहार कर रही है। आगे क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 24 देखते हैं, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 24। मयि अनंत महाम्भोद्यौ चित्तवाति प्रशाम्यति अभाग्या जीव वणिजः जगत पापो विनश्वरः। मयि अनंत महाम्भोद्यौ चित्तवाति प्रशाम्यति अभाग्या जीव वणिजः जगत्पोतो विनश्वरः। As soon as these mental winds subside in the infinite ocean of myself, the world boat of trader-like Jiva gets destroyed as if by misfortune.
मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर, मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी वाणिज्य का, वाणिक मीन्स ट्रेडर का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य को नष्ट हो जाता है, दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। अच्छे बनिए बनिए, अच्छे बनिए बनिए। आपको मैं कहता हूं वहां इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे को जहां 100% गारंटी है कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। विल यू इन्वेस्ट योर मनी इन दैट इन्वेस्टमेंट में, उस ट्रेड में लगाओगे पैसा जहां पे 100% श्योरिटी है कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा? नोबडी। मैं आपको कहता हूं कि उस स्टॉक में पैसा लगाइए जिसमें 100% आपका स्टॉक बर्बाद हो जाएगा, यू विल नॉट पुट योर मनी। मैं आपको कहता हूं अच्छा उस इन्वेस्टमेंट में लगाइए पैसा जहां पे 90% चांसेस है आपके पैसे के बर्बाद हो जाने की, विल यू इन्वेस्ट योर मनी सर? मैं आपको कहता हूं 50% चांसेस है आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, विल यू इन्वेस्ट? 10% भी चांसेस है कि आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा, विल यू इन्वेस्ट? कहां इन्वेस्ट करते हो अपने पैसे को जहां पे गारंटी है कि ये पैसा मुझे अच्छी रिटर्न देगा? नाउ आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो अपने चित्त की तरंगों को, अपने विचारों को, जहां आप अपने विचारों को इन्वेस्ट कर रहे हो, गारंटी है सुख मिलेगा? 100% गारंटी है कि जहां आप संसार में विचार को इन्वेस्ट कर रहे हो वहां आपको थैला नहीं मिलेगा, ढेला नहीं मिलेगा आपको वहां पे। 1% रिटर्न इन्वेस्टमेंट में नहीं है। और सारे विचारों की इन्वेस्टमेंट कहां डाली हुई है आपने? मैंने वहां पे जहां पे रिटर्न जीरो है। अच्छे बनिए बनिए, अच्छे बनिए बनिए, वहां इन्वेस्ट कीजिए जहां पे कोई अच्छी रिटर्न हो। चलो कोई बात नहीं, आप संसार से इन्वेस्टमेंट छोड़ नहीं सकते क्योंकि पुरानी आदत है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये भी समझ लीजिए। अच्छा ट्रेडर क्या करता है, अच्छा बनिया क्या करता है, अच्छा व्यापारी क्या करता है? अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करता है, सॉफ्टवेयर में डालता है कुछ, कुछ एनर्जी सेक्टर में डालता है, कुछ बैंकिंग सेक्टर में डालता है, कुछ कुछ ऑटो इंडस्ट्री में डालता है। तो जो स्टॉक मार्केट का ट्रेडर है वो अलग अलग पोर्टफोलियो बनाता है। मैं स्टॉक मार्केट में नहीं खेलता, सो डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैं कोई बड़ा स्टॉक मार्केट में खेलू, लेकिन माइंड को जानता हूं मैं, और माइंड को जानता हूं इसलिए स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताता। जब हर्षद मेहता का केस चल रहा था, हर्षद मेहता बहुत स्ट्रांग था, मार्केट हर रोज जंप मार रही थी 100%। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उस समय हम बॉम्बे में थे, बॉम्बे वेदांता एकेडमी में थे, एक नाम नहीं बताऊंगा मैं उस व्यक्ति का, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आया सर के पास और कहने लगा कि मार्केट बड़ी ऊपर जा रही है, एवरी डे इट्स जंपिंग लाइक बूम, ह्यूज जंप हो रहा है, इन्वेस्ट करने का बड़ा अच्छा टाइम है। सर के पास आके बोला, सर कहते हैं आई डोंट पुट मनी इन स्टॉक मार्केट, लेकिन मैं फिलॉसफी जानता हूं और फिलॉसफी ये है, चेंज इज ऑलवेज ग्रेजुअल, चेंज इज ऑलवेज ग्रेजुअल, चेंज यू कैन नेवर हैव अ सडन चेंज, इफ देयर इज अ सडन चेंज
बी केयरफुल, यदि स्टॉक एकदम ऊपर जा रहा है बी केयरफुल. एंड ही सेव्ड हिमसेल्फ, उस आदमी ने बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने लगा था, ओवरनाइट रिच होना चाहते थे, ज्ञान आ गया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं किए. उसके बाद क्या हुआ, इट्स अ हिस्ट्री, सो मेनी पीपल कमिटेड सुसाइड, स्टॉक थार हुआ. चेंज इज ऑलवेज ग्रेजुअल, चेंज इज ऑलवेज स्लो. लेकिन यहां पे है कि अपने स्टॉक को एक जगह ना करो, डाइवर्सिफाई करो. बाय द सेम वे अपने थॉट्स को आपने एक जगह इन्वेस्ट किया और जहां रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, और गारंटी है कि दुख मिलेगा, तो आपने अपने विचारों को कहां लगाया हुआ, गाड़ियों में, साड़ियों में, लाड़ियों में. रिटर्न की गारंटी है, एनी स्टॉक, एनी कोई आपको गारंटी दे सकता है कि संतान में थॉट लगाने के बाद संतान सुख देगी. कैन द जॉब कैन गिव यू गारंटी कि जॉब में थॉट लगाने के बाद जॉब सुख देगा? लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं प्रभु में, अध्यात्म में, आत्म में. इन्वेस्ट कीजिए अपने तरंगों को, अपने विचारों को परमात्मा में इन्वेस्ट कीजिए. 100% गारंटी रिटर्न. रिटर्न 1% 2% नहीं है, इन्फिनिट है. हम अच्छे बनिए बनिए. आप एक कैनवस दुकानदार है, कैनवस खरीदता है, स्टॉक कैनवस खरीदता, पेंट खरीदता, ब्रश खरीदता, उसकी लागत 100 रुपए है, इमेजिन कीजिए. और वो 200 रुपए में बेच देता है, प्रॉफिट कितना हुआ, 200%. लेकिन वही 200 रुपए पे MFSN एक पेंटिंग बना देता है, एक औरत, एक पेड़, एक मटका, एक झुग्गी बना देता है. 200 रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न उसकी 10-10, 20-20 लाख रुपए है. कितनी परसेंट प्रॉफिट हुआ? So, मैं शास्त्र लेके गीता जी को हाथ में साक्षी मान के, गीता जी को हाथ में साक्षी मान के आपको प्रॉमिस करता हूं, गारंटी देता हूं, अपने थॉट्स को परमात्मा में, प्रभु में इन्वेस्ट कीजिए. रिटर्न इन्फिनिट है. नहीं तो व्यापारी की तरह आप वहां इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पूरा का पूरा थॉट स्ट्रक्चर डाइवर्स, थॉट स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तराजू में तोलिए अपने विचारों को, अपने विचारों को बुद्धि के तराजू में तोलिए और सोच के देखिए. थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा. हम उनके भरोसे हैं जो किसी और के भरोसे हैं, वो किसी और के भरोसे, आप मार्केट के भरोसे, मार्केट स्टॉक के भरोसे, स्टॉक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के भरोसे. आई एम सॉरी टू गिव दिस एग्जांपल, सपोज मुकेश अंबानी जी को कुछ हो जाता है, व्हाट हैपेंस टू द स्टॉक मार्केट, व्हाट विल हैपन टू द स्टॉक मार्केट. एक आदमी को बुखार भी हो जाए, एक आदमी को फीवर भी हो जाए, पूरी मार्केट डल हो जाए. हम किसके भरोसे जी रहे हैं? थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा. इसलिए उस प्रभु के इस विचार में जुड़िए. ये तरंगे आएंगी, लहरें आएंगी, एक विचार दूसरे विचार से तरंगे करेगा, लहर करेगा, और ये लहर एक दूसरे से आगे पीछे होते होते संसार आत्मा रूपी समुद्र हमेशा शांत है. इसलिए समुद्र की थोड़ी सी गहराई में भी चले जाओ, आपको एकदम शांति मिल जाती है. आगे हम देखते हैं आखिरी श्लोक गीता, अष्टावक्र गीता का दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक. मै अनंत महाम्भोद्याः वाश्चर्यं जीव विचयः उद्यन्ति ज्ञनन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः मयि अनन्त महाम्भोद्यः वाश्चर्यं जीव विचयः उद्यन्ति ज्ञनन्ति खेलन्ति
प्रविशन्ति स्वभावतः. Amazingly, in the infinite ocean of myself, the waves of life arise, meet, play, and disappear naturally. आश्चर्य शब्द जरा इंटरेस्टिंग है इसमें, राइम है. उद्यन्ति धनन्ति खेलन्ति अमेजिंगली. आश्चर्य है मुझे, अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती है, मिलती हैं, खेलती हैं, स्वभाव से मुझ में प्रवेश कर जाती है. आश्चर्य है मुझे, अनंत महासागर जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, खेलती हैं और दोबारा फिर अपने स्वभाव के अनुसार मुझ में प्रवेश हो जाती है. उद्यन्ति घनन्ति खेलन्ति प्रविश्यन्ति. आश्चर्य है ये महासागर है, समुद्र मंथन है, ये समुद्र है और इस महासागर में लहरें आएंगी. अर्थात आपका अमृत मंथन में ओशन है. जब ओशन में मंथन हुआ, मिल्की ओशन में जब मंथन हुआ, तो पहले विष निकला, हलहला विष निकला, फिर और चीजें निकली, फिर हाथी घोड़े निकले, तो लहर लहरें और ये लहरें अलग लहरों से टकराती हैं. साक्षी बनो. तो मूल में क्या है, साक्षी बनो. जस्ट विटनेस. जो हो रहा है मेरी लाइफ में, एक लहर आ रही है दूसरी लहर से. ये किसी और को प्रवचन देने की जरूरत नहीं है. प्लीज, यहां मैं दे रहा हूं प्रवचन, तो मुझे ही देने दो. अब घर में जाके, यहाँ फैमिली में जाके वाइफ को मत कहना ये तेरे में जो विचार आया ना, एक लहर आई है, दूसरा विचार दूसरी लहर आई है. ओके, स्यापा ना, लहर है दूसरी लहर है. ये अनुभव की बात है, प्रवचन की बात नहीं है. साक्षी बनो. लहर टकराएंगे आपके, मेरे वैल्यूज दूसरे की वैल्यू से टकरा रही है. आपकी मेरी डिजायर दूसरे की डिजायर से टकरा रही है. आपकी मेरी डिजायर अपनी डिजायर से टकरा रही है. जैसे एक डिजायर सोने की है, दूसरी डिजायर जागने की है, टकरा रही है. तो हम सब लोग अपने ही द्वंद्व में फंसे हुए, लहरों में फंसे हुए, इस चक्रवात में फंसे हुए. मैं तरंग नहीं हूं, मैं सागर हूं. मैं विचार नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. मैं तरंग नहीं हूं, मैं सागर हूं. मैं बूंद नहीं हूं, मैं सागर हूं. मैं सीमित नहीं हूं, मैं असीमित हूं. मैं सीमित नहीं, मैं असीमित हूं. मैं तरंग नहीं, मैं सागर हूं. मैं बूंद नहीं, मैं पूर्ण हूं. तो अपने तरंगों को इतना ज्यादा भाव मत दीजिए. तो ओशन प्रभु है, आत्मा है और लहरें आपके विचार हैं. बड़ी लहर आती है तो झुक जाइए. जो सर्फिंग करते हैं ओशन में, बड़ी लहर आए जीवन में, भयंकर प्रवाह हो आपके जीवन में किसी चीज का, जहां आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो समर्पण कर दीजिए. छोटा विचार हो उतार दीजिए, छड़ जाइए उसके ऊपर. एक विचार दूसरे विचार पे, अपने दिमाग पे कीजिए, अपने दिमाग की थोड़ी सी बत्ती ऑन कीजिए और पूछिए, ये विचार ही तो है जो आपको यहां बिठाए रखा है. ये जनक ने यहां पे बोला. अब तीसरा अध्याय जब शुरू होगा तो अष्टवक्र शुरू करेंगे. अभी मैं वो अध्याय नहीं कर रहा, कल जब हम मिलेंगे तो उस अध्याय को करेंगे. लेकिन मैं दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो आज आपको बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है. वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि तीसरे अध्याय की शुरुआत उसी एक विचार से होगी. अष्टवक्र और गुरु. अष्टवक्र 8 साल का, सॉरी 12 साल का लड़का है. वक्र हैं उसके, 8 वक्र हैं और जनक राजा है. और अष्टवक्र के पहले अध्याय के बाद ही
जनक को निर्वाण हो गया, जनक को मोक्ष प्राप्त हो गया और वो अपने अनुभव से दूसरे अध्याय में बता रहा है कि मैं साक्षी हूं, मैं विटनेस हूं, घटना घट गई है, सेल्फ रियलाइज्ड हो गया। लेकिन अष्टवक्र तीसरे अध्याय में चेक करेगा कि ये रियल ज्ञान है या शमशान वैराग्य है, ये रियल नॉलेज है या शमशान वैराग्य है। क्योंकि कई बार टेम्पररी शमशान वैराग्य आता है, घर में डेथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वैराग्य हो जाता है। ये वैराग्य रियल नहीं है, टेम्पररी वैराग्य है। तो अष्टवक्र चेक करेंगे तीसरे अध्याय में, तीसरा अध्याय जो हम कल से शुरू करेंगे उसमें अष्टवक्र चेक करेंगे कि ये वैराग्य सही है या इमेजिनरी है, टेम्पररी है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यू ऑलवेज नीड एंकर, ए गाइड हु टीचेस यू, हु टेक्स यू स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। रीजन क्या है इसके? क्योंकि हम कई बार अपने आप को फन्ने खां समझ के सोचने लगते हैं कि मुझे होगी, घटना घट गई। तो गुरु और शिष्य परंपरा का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गुरु कई बार शॉकर्स देता है, हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट देता है ताकि लोग, शिष्य का अहंकार खत्म हो, शिष्य की ईगो खत्म हो। मैं जानता हूं एक लड़के को, वेदांत एकेडमी में स्टूडेंट था, नाम नहीं बताऊंगा ऑब्वियस रीजन से। वो वेदांत पढ़ा, वेदांत पढ़ने के बाद ही गॉट इनटू हिज सिस्टम, ही इज वेरी नॉलेजेबल। क्योंकि होता ऐसे ही है, क्योंकि जब आप आओ शहर में एकेडमी से, जब दिल्ली आओ तो आप नॉलेजेबल हो जाते हो, बोलना शुरू कर देते हो, पीपल पुट्स यू इन हायर पेडिस्टल, पीपल पुट्स यू इन हायर पेडिस्टल, तो यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू नो एवरीथिंग, यू आर, बिकॉज थ्योरेटिकली यू नो, दैट्स ट्रू, बट अनुभव में नहीं आता। तो ही गॉट्स इन ईगो ट्रिप में आ गया वो लड़का, स्टार्ट बिलीविंग दैट ही गॉट इट। और गुरु पता होता है कि अभी तो दिल्ली दूर है, तो उसको अहंकार जब काफी आ गया लड़के को, वेदांत एकेडमी का स्टूडेंट, तो सर ने बोला अब तू जब तक मैं नहीं बोलूंगा यू विल नॉट स्टडी लेक्चर स्पीक अबाउट वेदांता। उनका छोटा सा गांव था हिमाचल में, और हिमाचल में भेज दिया उसको और कहा कि सेवा कर, सेवा कर। कब तक? जब तक मैं बताऊं ना तुझे, जब तक मैं तुझे बोलू ना, यू विल नॉट टीच, यू विल नॉट प्रीच, यू विल नॉट स्पीक अबाउट वेदांता, यू विल नॉट स्टडी। सेवा कर, भजन कर, कीर्तन कर, क्योंकि ईगो बहुत जल्दी आ जाती है। एंड ही फॉलोड इट, फॉर्चुनेटली ही सेव्ड हिमसेल्फ। सो गुरु हार्श हो जाता है। लेकिन आजकल गुरु शिष्य परंपरा कैसे हो गई है? आप जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आप प्रोफेसर पढ़ाने जाओ, आपसे डिक्लेरेशन ले ली जाती है, मुझसे ले ली जाती है। आई गो एंड गिव लेक्चर्स इन यूनिवर्सिटीज इन वेस्टर्न कंट्री, फॉरेन कंट्रीज में जब जाता हूं, कैंप्स करता हूं, तो कैंप के ऑर्गेनाइजर मुझसे पहले एक परफॉर्मर साइन करवाते हैं गुरु से, कि आप स्टूडेंट से हार्श नहीं होगे, आप उनको बुली नहीं करोगे, आप उनको ये नहीं करोगे। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, ऑफ कोर्स ये नहीं करोगे। पूरा एक एफिडेविट साइन कराते हैं गुरु से कि तुम, आई विल टीच यू हाउ टू टीच, हाउ विल टीच। ऑफ कोर्स ग्रॉसनेस भी होती है, लेकिन गुरु कई बार बहुत हार्श होता है, लेकिन इसलिए ताकि वो चेक करे कि गुरु टीच स्टूडेंट में अहंकार तो नहीं आ गया। गुरु कई बार बड़ा स्टर्न होता है, गुरु कई बार एक से बहुत ज्यादा बात करता है, दूसरे शिष्य से कम बात करता है।
गुरु के तरीके अलग होते हैं, गुरु का माध्यम अलग होता है। तो अगला जो पोर्शन आने वाला है अध्याय 3, उसमें गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा सुंदर माध्यम बनेंगे अष्टवक्र। तीसरी बात, पहली बात नॉलेज गुरु आपको अटकने नहीं देता, दूसरी बात गुरु आपकी ईगो को कम करता है, तीसरी बात गुरु आपको अपने पे निर्भर नहीं रखने देता। ये रेस है, बैटन रेस की तरह है। बैटन रेस में एक खिलाड़ी भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, और दूसरे खिलाड़ी के हाथ में बैटन दे देता है और उसको आगे ले चलता है, और उसके बाद वो साइड ट्रैक होता है। तो गुरु पहला आपको स्वतंत्रता देता है, आपको अहंकार नहीं बढ़ने देता, आपको फ्रीडम देता है, बंधन में नहीं बांधता। और जो बंधन में बांधे वो गुरु नहीं, जो होल्ड करना चाहे, आप पे मोनोपलाइज करना चाहे, आप पे हर एक सांस के बाद दूसरी सांस की भी आपसे इजाजत ले। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर के कर्टन भी, ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर के पर्दे भी गुरु से पूछ के चेंज करते हैं। दिस इज नॉट अ गुरु भक्ति प्लीज, दिस इज नॉट अ गुरु भक्ति की हर एक सांस के बाद दूसरी सांस की भी इजाजत लेनी पड़े। गुरु आपको स्वतंत्रता देता, फ्रीडम देता, लेकिन जब देखता है, बताता है, समझाता है, बहलाता है, डराता है। सो वेस्टर्न एटीट्यूड नहीं है कि आपसे पेपर साइन करे जाएंगे। सो ये 3-4 बातें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला, आज हमारे पास टाइम है तो वी विल हैव एबल टू डू वन मोर वर्स ऑफ अध्याय नंबर 3। आपके सामने नहीं है श्लोक, बट स्टिल विल रीड द वर्स नंबर। यू हैव अ वर्स? यू डोंट हैव अ वर्स? No problem. I will chant the mantra. I will chant the mantra. I'm just giving you a picture of a guru-shishya relationship. कि गुरु अब चेक कर रहा है कि शिष्य में ज्ञान है कि नहीं। तीसरा, क्योंकि we still have 4-5 minutes with us, so I will do this, chant the mantra. Chapter 3, mantra number 1, sutra number 1. अष्टवक्र उवाच अविनाशिनमात्मानं एकं विज्ञानतत्त्वतः त्वावात्मज्ञस्य धीरस्य कथमेथार्जने रति। अष्टवक्र कहता है, वी विल डू इट टुमारो आल्सो, बट आई एम जस्ट यूजिंग द टाइम दैट वी हैव। अष्टवक्र जो राजा जनक की परीक्षा हेतु, अष्टवक्र जी अब राजा जनक की परीक्षा लेने हेतु पूछते हैं कि उसे वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या सिर्फ आत्मज्ञान की भ्रांति है। समटाइम इट हैपन्स, क्रिस्टलाइजेशन होती है। समटाइम इट हैपन्स, यू फील एज इट वर यू गॉट इट। कोई आइडिया कोई हिट करता है, यू फील घट गई घटना, लेकिन होती नहीं है। दिस इज जस्ट ए टेम्परेरी, इट्स लाइक दिस। आपके सामने गंदा पानी, काई वाला पानी है, आपके सामने काई वाला पानी है, पूरा मौत से भरा हुआ है, काई मौत से भरा हुआ है, और आप क्या करते हो, हाथ निकाल डालते हो उस काई वाले पानी को और साइड में करते हो, और जैसे ही हाथ से आप साइड में करते हो पानी को, आपको अपना प्रतिबिंब नजर आ जाता है। यू सी योर ओन रिफ्लेक्शन, यू सी योर ओन विजन, दैट इज नॉट द सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे ही हाथ आपने बाहर किया, वो काई दोबारा फिर आ जाती है। प्लीज लिसन मी केयरफुली।
काई वाला पानी है और आप अपने उस पानी में अपनी शक्ल को देखना चाहते हो, नहीं देख सकते। आपने हाथ डाला उस काई को, साइड में किया, और जैसे साइड में किया तो आपको अपना प्रतिबिंब नजर आ जाता है। यू सी योर ओन रिफ्लेक्शन, बट द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ दैट, हाथ जैसे बाहर निकालते हो, बैक टू स्क्वायर वन। सिमिलरली कई बार क्रिस्टलाइजेशन होता है, कई बार थॉट आता है, दैट्स इट। सुनते सुनते कई बार आता होगा आपको, क्या सही बात बोली है, व्हाट ए वंडरफुल। आपकी दिमाग की घंटी बज जाती है, हमारे दिमाग की बत्ती ऑन हो जाती है। लेकिन जैसे ही सत्संग से अलग हुए, जैसे ही सत्संग से अलग हुए, वी गेट इन टू द अगेन बैक टू स्क्वायर वन। तो अष्टावक्र कहता है, प्रश्न करते हैं, आत्मा को तत्वत एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने की क्यों आ सकती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा जनक से कहते हैं, तू यदि कहता है कि तू ब्रह्मज्ञानी हो गया है, अष्टावक्र कहता है जानने के लिए, चेक करने के लिए कि जनक को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, अष्टावक्र कहता है कि यदि तू ब्रह्मज्ञानी की बात कर रहा है तो फिर ये विषयों के पीछे क्यों भाग रहा है, धन की आसक्ति पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि राजा है। अष्टावक्र राजा है, और राजा के जीवन में क्या होता है, समृद्धि होती है, ऐश आराम होता है। तो एक तरफ तो बात कर रहा है मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, और दूसरा विषय भोगों में लटका हुआ है ना। ये एक ऐसा बात है जिसके कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं इफ यू आर ए प्रॉस्परस, यदि आप समृद्ध हो, प्रॉस्पेरिटी है, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। स्पिरिचुअल होने के लिए आपको फकीर बनना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होने के लिए आपको सूखे हुए फटे हुए कपड़े पहन के जीना पड़ेगा, स्पिरिचुअल बनने के लिए आपको सब कुछ विषयों को त्याग के जंगलों में जाके एक रोटी खा के जीना पड़ेगा। दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दैट इज अनदर ईगो। तो अष्टावक्र को चेक करने के लिए, सॉरी जनक को चेक करने के लिए कि इसका वैराग्य रियल है या अनरियल है, अष्टावक्र कहते हैं तू बातें तो कर रहा है ब्रह्म ज्ञान की, तो बातें तो कर रहा है ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की, धीर होने की, और फिर धन कमाने से आसक्ति क्यों है? Then why are you with the all sense of, because राजा है, जेवरों से भरा हुआ है, समृद्ध है, प्रॉस्पेरिटी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, गुरु क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं, किसको बोलता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु कई बार हार्श हो जाता है। एक घटना आती है रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में, दो शिष्य थे उनके, एक बड़ा लड़ाका था, बड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव था एक लड़का, और दूसरा बड़ा भोला था, स्पेसिव था, सम्मिश्रित था। दो शिष्य थे, एक बड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव था, एक बड़ा सम्मिश्रित था। दोनों आ रहे थे दादा से मिलने, नाव में बैठ के आ रहे थे, और नाव में दादा के बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में किसी ने कुछ बुरा बोल दिया। जो लड़ाका था वो तो दनादन सुना दी, और जो डरू था वो चुप रहा। दोनों ने आके गुरु को बताया, तो जब लड़के ने बताया, शिष्य ने बताया कि मैंने तो सुना दी, तो दादा कहते, रामकृष्ण परमहंस कहते, तेरी प्रॉब्लम क्या है? Somebody else is eating a chili and you are having a stomach problem. तूने सारी दुनिया का ठेका ले रखा। और जो डरू शिष्य आया था, जो पैसिव शिष्य आया था, उसने आके जब बोला, तो दादा ने बोला, तुझे तेरी सेल्फ वर्थ कुछ नहीं है, तेरे गुरु के बारे में इतना कुछ बोला, तो चुप कैसे रह गया? तो दो शिष्यों के साथ एक ही घटना हुई, लेकिन शिष्य गुरु ने दोनों शिष्यों को अलग अलग ट्रीट किया। तो शिष्य को गुरु क्या बात करता है इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से शिष्य को क्या बात बोली गई है ये इंपॉर्टेंट। सोचेगा इस बात पे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।